ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर हो। एक वेव है बाई वन, दूसरी वेव है बाई टू। फ्रीक्वेंसी इक्वल होने का मतलब है ये वाले सेगमेंट बराबर होना, ठीक है। बाई वन की इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, ए वन साइन ओमेगा टी, बाई टू की वैल्यू क्या लिखी थी, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों वेव में हो रहा है इंटरफेरेंस, ठीक है, इन दोनों वेव में हो रहा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से एक नई वेव बनती है, इसकी इक्वेशन क्या बताए थे आपको, कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। बाई वन और बाई टू का सुपरपोजिशन हो रहा है, इससे नई वेव बनती है। ए की वैल्यू क्या बताए थे आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ठीक है ना। और थीटा के लिए क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल टू ए टू साइन फाइव ओवर ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये बताया था ना। अब आप ये देखो, इंटरफेरेंस आपको बताए थे दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको भी लिखे दे रहे हैं, दोनों लिखे दे रहे हैं। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक ऐसा होता है मैक्सिमम, ए मैक्सिमम होने के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन। इससे फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू वन कब कब आती है, जब फाई की वैल्यू कितनी हो, जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई से लेके टू एन पाई, ठीक है, वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद आपको बताया था एम्पलीट्यूड होगा कितना, कॉस फाई की वैल्यू वन रख देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। इससे क्या आएगा, ए इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखें, ठीक है ना, तो आपको कल ये बात बताए थे ए स्क्वायर इक्वल टू होती है इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग कैसे लिख रहे थे, ए स्क्वायर इक्वल टू आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, ठीक है ना, साथ में रहेगा कॉस पाई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कॉस पाई की वैल्यू होती है वन, तो आई इक्वल टू क्या कहलाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। तो एक बात बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई वन प्लस आई टू प्लस समथिंग, मतलब दो लाइट वेव सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। और अगर उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो लाइट दो गुनी नहीं होगी, उससे भी जाना होगी, या आप साउंड वेव में कह सकते हो, दो लोग बातें करते हैं, ठीक है ना, दोनों की साउंड वेव निकल रही है, तो जितनी तेज आवाज आएगी उतनी तेज इंटेंसिटी होगी। तो आप कहोगे सर दो लोग बोलते हैं तो आवाज को दोगुनी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, अगर दो लोग, ठीक है, आपस में बात करते हैं और या दो लोग आपस में बोलते हैं, एक की इंटेंसिटी है आई वन दूसरे की इंटेंसिटी है आई टू। इंटेंसिटी का मतलब आपको बताए थे कितनी तेज आवाज आपको सुनाई दे रही है, ठीक है ना। और लाइट के केस में क्या होगा, लाइट के केस में इंटेंसिटी मतलब है कितनी ज्यादा लाइट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है भाई, दो लोग बोलेंगे तो आवाज को दो गुना हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो आवाज दो गुने से भी जाना होगी, क्योंकि ये फैक्टर आ चुका है, ठीक है। लाइट में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट दो लाइट की इंटेंसिटी से भी जाना होगी,
क्योंकि ये वाला फैक्टर आ चुका है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही थी। तो ये बताया था हमने फेज डिफरेंस, इसके बाद पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकाले थे। ठीक है, पाथ डिफरेंस फिर से सुन लो क्या कहलाता है। पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के टर्म में डिफरेंस, ये है जीरो, यहां से यहां तक कहलाएगा लैम्डा, ये कहलाएगी एक वेव। ठीक है ना, यहां तक कहलाएगा लैम्डा बाई टू। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना आया था, या तो जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, या एन लैम्डा। एन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा था हमने, डेल्टा इक्वल टू इवन कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई टू। ठीक है ना, इतना हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब आप ये देखो दूसरे टाइप का क्या पढ़े थे हम लोग, एक तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा हम लोग पढ़ते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम। ए की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू माइनस वन होगी, तो ए की वैल्यू होगी मिनिमम। ठीक है, तो कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, माइनस वन। ठीक है, माइनस वन वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू आ जाएगी ए वन माइनस ए टू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड का सम, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, अब आप ये देखो इसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस फाई की वैल्यू वन, तो फाई की वैल्यू जीरो टू पाई फोर पाई, कॉस फाई की वैल्यू माइनस वन, तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाई की वैल्यू होना चाहिए पाई थ्री पाई फाइव पाई, और इसको आप लिख सकते हो टू एन माइनस वन इंटू पाई। ठीक है, हो रहा है इतना क्लियर, जब भी फाई की ये वैल्यू होगी तो कॉस फाई की वैल्यू होगी माइनस वन। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी आ गया, इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी होगी आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते थे, आई इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, रूट आई वन का स्क्वायर आई वन, रूट आई टू का स्क्वायर आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इंटेंसिटी लिख सकते थे। अब पार्ट डिफरेंस कैसे लिखेंगे, पार्ट डिफरेंस होता है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर सुपरइम्पोज हो, तो क्रस्ट पर ट्रफ सुपरइम्पोज कब होगा, एक वेव ये है, क्रस्ट पर ट्रफ सुपरइम्पोज कब होगा, जब दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है ना, मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो पाई, पार्ट डिफरेंस दूसरी वेव अगर यहां से स्टार्ट हो तो लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, और इसको ले सकते हो टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। ठीक है ना, यहां एन की वैल्यू कितनी होगी, वन टू थ्री से लेके सो ऑन। ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एन की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जीरो से स्टार्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है ना, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो, डेल्टा इक्वल टू ऑड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई टू। ठीक है ना, तो क्रस्ट पर क्रस्ट कब आएगा, जब दूसरी वेव इस तरह से स्टार्ट हो, मास में आ रही है, क्रस्ट पर क्रस्ट सुपरइम्पोज होगा, या फिर कब होगा, जब दूसरी वेव कहां से स्टार्ट हो, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो, देखो अब भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, या फिर क्या होगा, और कहां से स्टार्ट हो,
या यहां से स्टार्ट हो, ठीक है ना। अब भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप इसमें देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो, एंगल ये वाला होता है जीरो, ये हो गया पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, इस तरह से, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या होती है, यहां पर अगर जीरो है तो ये कहलाएगा लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा, ये थ्री लैम्डा बाई टू, यहां से टू लैम्डा, ये वाला कहलाएगा फाइव लैम्डा बाई टू, ठीक है, और ये कहलाएगा थ्री लैम्डा, ठीक है। तो अब आप ये बताओ हमें करना क्या है, एक वेव को दूसरी वेव पर सुपर इम्पोज इस तरह से करना है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए। तो देखो इन दोनों के क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहे हैं, एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री का डिफरेंस, ठीक है ना, पाई इक्वल टू जीरो कहलाएगा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस भी कितना कहलाएगा, जीरो। सेकंड केस देखो, ये वाली वेव थी, सेकंड वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, ठीक है ना। दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है, टू पाई का, टू पाई, ठीक है। वेवलेंथ में कितने का डिफरेंस आएगा, लैम्डा का। आ रही बात समझ में? इस तरह से क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा। थर्ड आप देखो, ये वेव जा रही थी यहां से, देखो यहां से स्टार्ट हो, देखो यहां से, देखो अगर वेव यहां से स्टार्ट हो तब भी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा। अब कितना डिफरेंस आएगा, फोर पाई का, फिर कितना आएगा, सिक्स पाई का, ठीक है ना। तो हमें किसी भी तरह से क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट को सुपर इम्पोज करना है तो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा, ये बताओ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर है? अब डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, देखो बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव में चलते हैं। देखो एक वेव है हमारी, ये ओरिजिनल वेव है। अब आप देखो अगर दूसरी वेव यहां से स्टार्ट होती है, तो आ रहा है क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है ना। या फिर दूसरी वेव कहां से स्टार्ट हो, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो, तो आप ये देखो इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। या फिर कहां से स्टार्ट हो, देखो या तो यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर यहां से स्टार्ट हो, ठीक है ना, इसका ट्रफ, इसका क्रस्ट, ठीक है। तो अब आप ये बताओ इसको हम नाम कैसे देंगे। देखो एंगल जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, देखो इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का। इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, थ्री पाई का। इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, फाइव पाई का, ठीक है ना। तो आपको बात समझ आ रही है, अगर फेज डिफरेंस पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, सेवन पाई हो तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये कितना होता है, लैम्डा बाई टू, ठीक है, या थ्री लैम्डा बाई टू या फाइव लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ सुपर इम्पोज होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट सुपर इम्पोज हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्रस्ट के ऊपर ट्रफ सुपर इम्पोज हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स आर आई एंड फोर आई, ठीक है, आई वन आई टू की वैल्यू आपको गिवन है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन, तो हमें मालूम है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस फाइव की वैल्यू होनी चाहिए वन। अब ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आई वन की वैल्यू कितनी थी, ये है आई, रिजल्टेंट को आई डेस्ट लिख ले रहे हैं, प्लस फोर आई प्लस टू अंडर रूट आई इंटू फोर आई, ठीक है ना, बाहर निकल के जाएगा टू आई, तो ये हो जाएगा आई प्लस फोर आई
प्लस 4i, टोटल हो जाएगा 9i। ठीक है, बन जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है ना, कोहरेंट लाइट सोर्स है, मतलब बिल्कुल एक से लाइट सोर्स है। ठीक है ना, अब आप ये देखो दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल है और ये दो लाइट सोर्स किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक है ना, एक लाइट सोर्स हो गया I1, दूसरा लाइट सोर्स हो गया I2, किसी एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं, इस पॉइंट पर सुपर इम्पोज होते हैं और यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 100 यूनिट। ठीक है, तो आप जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, I=I1 + I2 + 2√I1I2 + 2√I1I2 cos φ। ठीक है, अब आप ये बताओ I1 और I2 दोनों हैं कोहरेंट लाइट, तो मतलब इंटेंसिटी इक्वल होगी। ठीक है ना, ये लिखा भी है इक्वल इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी। ठीक है ना, अब आप इसमें ये देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 100 यूनिट, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब cos φ की वैल्यू कितनी होगी, पर ठीक है I1 I2 आपस में इक्वल है तो इसको हम सबको I1 लिख सकते हैं, I1 + I1 + 2। I1 में से I1 बाहर आ जाएगा, cos φ की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 4I1 = 100। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी 25, जो I1 की वैल्यू है वही I2 की वैल्यू होगी, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू होगी 25। अब क्या करते हैं, किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी को 36% रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप ये देखो 36% किसका, 25 का 36% कितना होगा, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, यह जाएगा 4, ठीक है, यह जाएगा 9। ठीक है, तो मान लो I2 की इंटेंसिटी कम कर दी, कितनी हो गई 25 - 9, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है उसी पॉइंट पर ये फिर से मिलते हैं। ठीक है ना, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या ले लें, I डैश की वैल्यू क्या होगी I1, I1 की वैल्यू कितनी है 25, I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू है 16। ठीक है, +2 √25 √16, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। अब इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी हो जाएगी 81 यूनिट, जो पहले हो रही थी 100 यूनिट।